बीकॉम फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स, वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा खास है। जैसे कि आपको पता है, अकाउंटिंग गुरुजी पर लगातार आपको वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो फाइनल ईयर वालों के सबके, चाहे आप बीकॉम हो, बीएससी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उनके ऑप्शनल क्वेश्चन आने हैं 75। उसमें से आपको एग्जाम देना होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे, जिन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुत सारे बच्चों के सवाल आए कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये बताइए कि क्वेश्चन आते कहाँ से, अगर हमें शॉर्ट टाइम में या कम टाइम में स्टडी करनी है तो हम कहाँ से करें, हम क्या क्वेश्चन बैंक लाकर उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको रिपीट कर लें, क्या वो हमारे लिए सही होगा, या हम थ्योरिकल पोर्शन को पढ़ें, या आपको ऐसी चीज बताइए कि क्वेश्चन आते कहाँ से। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, वीडियो को पूरा देख लीजिए। गाइस, मैं से गौर भारद्वाज, एंड आई एम ए लेक्चरर, और मैं बीइंग 4 ईयर से टीच कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा मैं 12 ईयर से टीचिंग करता हूँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड हर एक चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। रेगुलर क्लासेस भी मिलती हैं, फिलहाल ऑफ किया हुआ है एग्जाम्स के रिगार्डिंग। अभी के लिए MCQs क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, फाइनल एग्जाम्स आपके हैं, उसमें हर एक सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि न्यूमेरिकल पोर्शन की मैं बात करूं, इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं तो हमें डाउट रहता है कि इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी MCQs क्वेश्चन बनते हैं ये सभी टॉपिक से बीच से बनते हैं। जी हाँ, यूनिवर्सिटीज, मैं CCS यूनिवर्सिटी की बात भी कर रहा हूँ, मैं और अदर यूनिवर्सिटीज की बात भी कर रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज की मैं कॉमन बात बता रहा हूँ। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ऑफ MCQs क्वेश्चंस वो चैप्टर के मिड में से लिए जाते हैं, बड़े टॉपिक से उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार या मोस्ट ऑफ टाइम जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, एग्जाम पेपर बनाने में कंजूसी कर देते हैं, ज्यादा दिमाग ला के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें घुमा फिरा कर देते हैं। हाँ, अगर आप कर रहे हो किसी क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन, किसी क्वेश्चन बैंक में जहां 1000 क्वेश्चन होंगे आप उन्हें याद कर रहे हो, रट्टा एप्लीकेशन कर रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन हूबहू नहीं आते। बहुत बार ऐसा होता है, ये तो पक्का है कि 75 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे जिस क्वेश्चन बैंक को आप परचेज करके लाए हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक में लास्ट 5 से 7 ईयर्स के क्वेश्चन ही इकट्ठे होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन तो जुगत्यू आ गया क्वेश्चन बैंक से, लेकिन उसके ऑप्शन चेंज हो गए, तो जब याद करो तो यार ऑप्शन का रट्टा एप्लीकेशन मत करना कि पहले का, दूसरा, दूसरे का, तीसरा, चौथे का, पांचवा, ऐसे मत करना, क्योंकि आंसर वो चेंज कर देते हैं या क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की डिजिट चेंज कर देते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो काम आपका, अगर तैयारी कर रहे हो, टाइम आपके पास अच्छा खासा है, तो उसके लिए तरीका है कि आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझो, ना लॉन्ग क्वेश्चन याद करो, ना शॉर्ट क्वेश्चन याद करो, ना MCQ याद करो, एक चैप्टर उठाओ, उसे रीडिंग करो, उसके बीच का कॉन्सेप्ट समझो, चैप्टर का मेथड क्या है, क्यों ये चैप्टर है, इसकी सारी चीजें चैप्टर की अपने दिमाग में बिठा लो, समझ लीजिए आपकी MCQs क्लियर होगी। हाँ, उसमें कुछ चीजें बहुत सारी रहती हैं, जैसे कि आपका कुछ सन वगैरह रहते हैं, कुछ बोर्न ईयर रहते हैं, कुछ राइटर्स के नेम रहते हैं, है ना, कुछ इस तरह की चीजें जो है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप हर एक चैप्टर को उठाओ, उसकी डीपली स्टडी करो, समझो, नहीं समझ में आता यूट्यूब की वीडियोस देखो और उसे कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठाओ, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप अटेम्प्ट कर दोगे। बच्चों के हमेशा नंबर कम आते हैं जो एक मॉडल पेपर परचेज कर लिया क्वेश्चन में, उसमें से रट्टा एप्लीकेशन कर लिया कि चलो उसमें से तो आ ही जाएंगे, पास होने लगे, वहां चले गए। होता क्या है, वहां पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते, जो आते हैं उनकी भी डिजिट बदली हुई होती है, आंसर ए का डी होता है, डी का ए होता है, ऐसे में हम उसे गलत कर जाते हैं। तो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट, अगर आपके MCQs क्वेश्चन है तो आपकी ज्यादा टेंशन है, आसान मत समझिए कि MCQs क्वेश्चन है तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, मेरे तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी टेंशन सब्जेक्टिव वालों से ज्यादा है, सब्जेक्टिव वाले कुछ ना कुछ तो लिख रहे हैं, लेकिन आपको तो चुन के एक राइट आंसर देना है, तो उसके लिए बस ध्यान रखिएगा, आप रट्टा एप्लीकेशन मत करो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कम टाइम में कैसे स्टडी करें, तो कम टाइम में यह कि आप 2 क्वेश्चन बैंक परचेज कर लो, ठीक है, और उनमें से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें याद करते रहो, बट जो उनके आंसर्स हैं वो नंबर वाइज याद मत करो भाई। जैसे किसी का एक क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, ठीक है, आपने कहा चलो उसका आंसर तो ए है, ये नहीं, उसका आंसर क्या है वो याद करो, छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, मैं भी स्टूडेंट था, मैंने भी की है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी करें। थैंक यू।